हेलो फ्रेंड, माय चैनल एस टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं आज समांतर श्रेणी में जनपदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो यह वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सूत्र का डिफिनेशन कैसे करते हैं। तो जैसे है समांतर श्रेणी में जनपदों का योग ज्ञात करना, तो हो जाएगा जैसे टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हो जाएगा। तो इसमें कैसे हम इसको ज्ञात करना, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे नई नई वीडियो की आपको अपडेट मिलते रहे। तो जैसे है माना किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद हो जाएगा ए, ये हो गया। और सर्वांतर हो जाएगा सर्वांतर डी, ये हो जाएगा। और जो हो जाएगा नवा पद, हो जाएगा टी एन इजकल टू टी एन हो जाएगा, और इसको एल भी मान सकते हैं। तो जो एन पदों का योग हो जाएगा, इजकल टू यस, ये हो जाएगा। तो जो होता है तो हो जाएगा जब अब तो हो जाएगा यस इजकल टू हो जाएगा ए प्लस ब्रेकेट में ए प्लस डी प्लस ब्रेकेट में ए प्लस टू डी, ये हो जाएगा। प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा। और हो जाएगा फिर एल माइनस टू डी प्लस एल माइनस डी प्लस एल, ये हो जाएगा। समीकरण ये एक है, यल समीकरण एक। अब इसको विपरीत लिखने पे तो यस हो जाएगा यल प्लस यल माइनस डी प्लस यल माइनस टू डी, हो जाएगा। फिर प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट प्लस, तो हो जाएगा ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए, समीकरण दो। तो अब इसको हम समीकरण वन प्लस समीकरण टू दोनों को जोड़ने पर तो हो जाएगा, जो तो इसमें हो जाएगा जोड़ने पर हो जाएगा यस, तो टू यस, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में ए प्लस एल हो जाएगा प्लस में माइनस, इसमें प्लस ए प्लस डी है तो इसमें तो हो जाएगा प्लस ए प्लस हो जाएगा, ये में डी डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा ए प्लस एल हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा ए प्लस एल, इसमें टू डी माइनस टू तो प्लस में माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा डॉट डॉट एन पदों तक, ये हो जाएगा एन पदों तक, हो गया। तब ये हो गया। तब इसको तो हो जाएगा टू यस इजकल टू हो जाएगा एन कामा ए प्लस एल, ये हो गया। तो यस बराबर हो जाएगा एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, ये होगा। ये भी होता है इसको, अब जब इसमें जो है तो यस बराबर हो जाएगा एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, एल जिस चूँकि जो होता है टी एन इजकल टू एल इजकल टू होता है ए प्लस ब्रेकेट में एन माइनस वन टू डी, तो ये रखेंगे तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हो जाएगा। तो यस बराबर हो जाएगा एन बाई टू तो ब्रेकेट में जो ए प्लस ए तो हो जाएगा टू ए प्लस छोटे ब्रेकेट में हो जाएगा एन माइनस वन इन टू डी ब्रेकेट, तो ये हो जाएगा। तो इसी तरह इस तरह एन पदों का योग योग जो हो जाएगा
तो हो जाएगा जो, तो एल बराबर हो जाएगा एन बाई टू, हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी समीकरण। तो ये हमें एन पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका सब सूत्र प्राप्त हो गया, यस बराबर हो जाएगा एन बाई टू मझे ब्रेकर में टू ए प्लस छोटे ब्रेकर में एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया, ये ब्रेकर बंद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो इस पर इसमें हम एक सवाल पर भी बताऊंगा, तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें।